ऊपर से डोर गया इसका। ओह माय गॉड, अब क्या करूं? ये पिकअप के लिए कोई लोकेशन आई है ना जहाँ पर मैं आई हूँ, और ये पीछे ना इतना डाउन हिल है ना, कैसे दिखाऊं? यहाँ से दिखाती हूँ मैं, कितनी मुश्किल से ना मतलब डरते डरते आई हूँ। कस बहुत ही ज़्यादा ना, ये ऊपर एकदम अपहिल है, मैं एकदम ऊंचाई पर हूँ। और ये कंपनी है, लेकिन इनकी बैकअप का कुछ भी अंदाज़ा नहीं है कि इनकी डोर किधर होगी। इधर कैसे हो सकती है? इधर तो कार खड़ी है और जाने का अंदर रास्ता नहीं है। देखती हूँ अंदर जाके। मुझे अंदर इन्होंने बोला कि ये मे बी ये गेट है जिससे अंदर बैकअप करना है, बट ये कैसे बैकअप है? ये तो बहुत ज़्यादा ही नीचे डाउन हिल जा रहा है। मैं उस पर लेके कैसे आऊँगी, मैं यही सोच रही हूँ। एक बार अंदर जाके पूछती हूँ, थोड़ा टफ है। ऐसी अजीब सी जगह है ना, यहाँ कोई भी नहीं है दूर दूर तक, ऐसे कोई भी कार वार नहीं आ रही। वो ट्रक खड़ा है और इधर बैकअप लगानी है, और बहुत ज़्यादा ना एकदम ट्रक ऊपर है, मैं काफ़ी नीचाई पर हूँ, डाउन हिल है बहुत। चेक करती हूँ अंदर जाके। मुझे अंदर बोला कंपनी वालों ने कि आते हैं ट्रक लेके काफ़ी लोग, तो मुझे चलो थोड़ा तो हौसला मिला ना कि वहाँ बैकअप लग सकती है। अब बात यह है कि मुझे ऐसे पूरा पीछे लेके जाना है। पहले मैंने थोड़ा सा आगे कर लिया है, अभी मुझे बहुत ध्यान से करना होगा बिकॉज बहुत ज़्यादा डाउन हिल है यहाँ पर। मतलब ट्रक पूरा पीछे जाने का हो सकता है, चला जाए, तो बहुत ध्यान रखते हुए। मैं पहले उस साइड करने की कोशिश कर रही हूँ ज़्यादातर। देखते हैं हो पाएगी कि नहीं। डाउन जैसे आना शुरू होगा ना, मुझे टेंशन हो जाएगी। बस मुझे दिक्कत इससे नहीं है कि बैकअप करना है, मुझे दिक्कत है डाउन हिल से। मुझे टेंशन हो जाती है डाउन हिल पे। वो जो सामने डोर दिख रही है ना खुली, उसमें लगानी है, बैकअप करनी है। डाउनहिल आना शुरू हो गई है, टेंशन भी लगना थोड़ा शुरू हो चुका है। थोड़ा सा आगे करूं या लेके जाऊं ऐसे? थोड़ा इसको ऐसे कर देती हूँ, सीधा कर लिया ना अभी, थोड़ा फिर पीछे ले जाके। वो पूरा पीछे ऐसे है डाउन में। He said like the बस उसमें फिट करना ये डेंजर है, बिकॉज काफ़ी बार ट्रक उसमें आते नहीं है ना ऐसे अंदर, क्योंकि वो बहुत छोटा सा डोर है। कि ये पीछे को जा रहा है ना ट्रक, इसलिए टेंशन आ रही है। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। साइड ले आई, मुझे काफी टेंशन हो रही है बिकॉज वहाँ पे जाते ही ना ट्रक बिल्कुल भी ना अपने उसमें नहीं आ रहा था, मतलब पीछे को जा रहा था ना काफी। मेरे ख्याल से मुझे उनको बुलाना पड़ेगा, वही बाहर आके चेक करूँ ना। It's not easy यार। I will try again। जिस एज पे है ना ये ट्रक, मतलब जिस ना वो उस पर है बिल्कुल, वो डर की बात है, टेंशन की। लगेगी बिल्कुल ही नीचे जाने लगी हो, तो बहुत ही स्लोली कर रही हूँ। तो जगह बहुत कम है इनके यहाँ। कुछ नहीं समझ आ रहा यार। ट्रेलर ऐसे हो चुका है। लेट्स सी यार क्या बनेगा, देखते हैं। भगवान का नाम लेके चलती हूँ। उधर से भी बिल्कुल ऐसे है ना गेट की, अब गया कि तब गया यार, कुछ इनका ढंका नहीं है। हो तो सही जगह ही ढंकी हो। आई डोंट नो क्या हुआ है ना, फंस गया है क्या हुआ है पता नहीं। थोड़ा बाहर करके देखती हूँ। कुछ तो हुआ है, आई थिंक गेट अड़ गया इसका। नीचे उतर के देखना पड़ेगा, टेंशन की बात है। हाँ मेरे ख्याल से गेट कहीं अड़ रहा है। तो दिक्कत है गेट के साथ। ओ हो इनका कुछ सामान गिर गया है, इनका ना ये गिर रहा है, इनको उठाना चाहिए। कैसे लगाऊँ यहाँ पे, लोहे का सारा सामान तो गिरा पड़ा है, इसी की वजह से पीछे हट रहा है। सीधे ले जाके फिर से वापस लाती हूँ। सीधे ले जाने के लिए कितना ही ढलान है ना, बहुत ही बुरी बैकअप है आज तक की। ओहो, इसका तो डोर ही तोड़ दिया, डोर टूट गया। कैसे ब्रोक हुआ डोर। ऊपर से डोर गया इसका। ओह माय गॉड, अब क्या करूं। इनके इसमें अटक के डोर गया।